सभी मित्रों को नमस्कार और दिवाली की शुभकामनाएं। मैंने ये जो वीडियो बनाया है ये पिछले वीडियो को थोड़ा शॉर्ट करने के लिए, चूंकि वो काफी लंबा वीडियो हो गया था और बिल्कुल पिन पॉइंटेड अप्रोच के तहत मैं बना रहा हूँ ये वीडियो। और जो मैंने पिछले वीडियो में जो टॉपिक को डिस्कस किया था, जहां पे कि जो भी मित्र सीआरएम मशीन लगाना चाहते हैं जिसमें कि कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉवल दोनों संभव हो पाता है, मुझे अक्सर लोगों के फोन आते हैं और ये लोग पूछते हैं कि सर एसबीआई लाइव हुआ कि नहीं हुआ, बैंक ऑफ बड़ौदा लाइव हुआ कि नहीं हुआ, पीएनबी के डिपॉजिट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। तो ये वीडियो मेरा बनाने का खास मकसद है और उन सारे जो सवाल जो लोग मुझसे करते हैं उसका एक तरह से आंसर भी है। मैं उन सभी लोगों को ये बताना चाहता हूं कि बेसिक जो हम लोग डिपॉजिट, अगर कोई एक व्यक्ति अगर डिपॉजिट करता है, मान के चले हम लोग की 50,000 को डिपॉजिट कर रहा है, तो उस पर 15 लोग आपके विड्रॉवल करते हैं। अच्छा, हम लोग को अपने मशीन में जो डिपॉजिट आती है तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि हम लोग उतनी ही डिपॉजिट ले पाने में सक्षम होते हैं जितना कि हमारा विड्रॉवल हो जाए। तो केवल डिपॉजिट, मान लीजिए आप ये सोचते हैं कि एसबीआई भी लाइव हो जाए, अगर पीएनबी भी लाइव हो जाए, तो क्या आप उतना डिपॉजिट अपने एटीएम में एक्सेप्ट कर सकते हैं कि और उसको विड्रॉवल कर पाएंगे सेम डे में? मुझे नहीं लगता ये संभव है। तो हम लोग को डिपॉजिट के कस्टमर्स बहुत ही लिमिटेड चाहिए होते हैं। अगर आप मान के चलें कि अगर आपके पास 20 व्यक्ति भी 50,000 रुपए जमा कर रहे हैं तो आपके एटीएम में 10,00,000 रुपए आ जाते हैं और जिसको मतलब उसका डिस्पेंस हो जाना इतना आसान नहीं होता है। और हम लोग ये भी नहीं कर सकते हैं कि लगातार डिपॉजिट आते जाएं और विड्रॉवल उस प्रोपोर्शनेट में नहीं रहे। तो आप जो ये आपने जो मेंटल ब्लॉकेज अपना करके रखा हुआ है कि एसबीआई बैंक हमारा लाइव हुआ कि नहीं हुआ या उसके डिपॉजिट संभव है कि नहीं है, तो वो मेंटल ब्लॉकेज अपना हटाइए पहले। मैं उन सारे कस्टमर्स को जो बेसिकली एसबीआई बैंक का लाइव होने का इंतजार कर रहे हैं आईसीडी में, ये वीडियो मेरा उन लोगों के लिए खासकर है। और जो एसबीआई के सीएसपी जो चला रहे हैं, एसबीआई का कस्टमर सर्विस पॉइंट चला रहे हैं, उनके लिए भी विशेष तौर पे है, या जहां पे बहुत सारे एसबीआई के कस्टमर हैं उन सारे व्यक्तियों के लिए ये खास करके मैं ये वीडियो बना रहा हूं। और इस वीडियो में मैं कुछ बिंदुओं पे बात करना चाहता हूं। मान लीजिए, और जो पूर्व में भी मैंने जो टॉपिक डिस्कस किया था उसको थोड़ा सा मैं विस्तार पूर्वक थोड़ा सा हल्का सा ये करूंगा और उस बेसिस पे ये करेंगे। तो मैंने जैसे बताया था आपको कि अभी हम लोगों ने एक नया मॉडल लॉन्च करने का निर्णय लिया है जो कि हिटैची WLA CRM CMS मनी ट्रांसफर मॉडल। अच्छा, हम लोग ये पहले समझे कि हम लोगों का चैलेंजेस क्या है एक एटीएम को चलाने में। आज जो भी एटीएम व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं तो उनका सबसे बड़ा चैलेंज क्या है इस एटीएम इंडस्ट्री में, तो उनके ऊपर मैं थोड़ा सा मतलब एक विस्तार पूर्वक डिस्कशन करना चाहूंगा। तो आज हम लोग ये मान के चले है ना, व्हाट आर द चैलेंजेस बेसिकली, नहीं व्हाट आर द चैलेंजेस, ठीक है, व्हाट आर द चैलेंजेस इन एटीएम इंडस्ट्री। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि सारे लोग सबसे पहला जो पॉइंट देंगे दैट इज कैश मैनेजमेंट आई, है ना। जो सबसे बड़ा चैलेंज अगर कोई रेखांकित करना चाहेंगे तो
तो उसमें मैं नहीं समझता हूँ कि कोई दूसरा किसी सबसे बड़ा जो ये है वो आप लोग कैश मैनेजमेंट, ठीक है। और ये इनफैक्ट बहुत जरूरी है इस मॉडल की ओर बढ़ना, चूंकि आने वाले समय में हम लोग और ज्यादा चैलेंजेस फेस करेंगे, क्योंकि जो कैश डिपॉजिट रेशियो है वो बैंक्स में काफी कम हो रहे हैं और बैंक भी काफी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं कैश इश्यूज को लेके, बिकॉज दे आर गेटिंग वेरी लेस डिपॉजिट इन देयर बैंक्स। जिस क्योंकि अक्सर ज्यादा से ज्यादा लोग अभी क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन ट्रांसफर्स को प्रेफर कर रहे हैं और उस कारण से बैंक्स में कैश अवेलेबिलिटी की समस्या आ रही है। तो कैश मैनेजमेंट सबसे ज्यादा बड़ा बहुत बड़ा इशू है। अच्छा, अभी जो हम लोगों का कैश मैनेजमेंट है, जो अब फिर सिक्योरिटी इश्यूज है ना, वाइल कैरिंग कैश। अच्छा, आप बोलेंगे सर फिर एटीएम में तो जो कैश है, तो मैं आपको बताऊं कि जब एटीएम में कैश जमा हो जाता है तो दैट इज नॉट योर रिस्क बेसिकली, ठीक है। जब तक आप ट्रांजिट कैश जो है ना, जो ट्रांजिट आप ये बोलेंगे कि जो एटीएम में कैश है फिर उसका सिक्योरिटी सर, तो नहीं, वो आपका रिस्क नहीं है बिकॉज दैट इज इंश्योर्ड है ना, तो वो आपके लिए चैलेंज मैं इतना नहीं मानूंगा, बिकॉज दैट इज इंश्योर्ड। जो आप कैश कैरी करके लेके आ रहे हैं बैंक से और उस दौरान जो घटना दुर्घटना होती है वो कैश आपका इंश्योर्ड नहीं होता है, तो दैट इज अ चैलेंज फॉर यू, बेस आपके लिए चैलेंज है वो, ठीक है। सिक्योरिटी इशू वाइल कैरिंग कैश है ना। और फिर उसके बाद जो अभी जो हम लोगों के जो 194N के तहत जो 194N में जो कैश विड्रॉवल TDS जो हो रहा है कट रहा है, ठीक है, फिर आपको ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो आप जब बैंक से कैश विड्रॉ करते हैं तो आपके ऊपर 194 का ऑल्दो आप एग्जेम्पशन मिल रहा है आपको, बट मेनी टाइम्स आपको प्रॉब्लम भी आती है उसमें, ठीक है। 194N कैश विड्रॉल TDS डिडक्शन इज ऑल्सो ए चैलेंज, ठीक है। फिर अगर आपने मान लीजिए ये किया तो उसके बाद फिर आपका अकाउंट मैनेजमेंट है ना, जो सेटलमेंट बैंक अकाउंट मैनेजमेंट सेटलमेंट, क्योंकि अब उस कंडीशन में सेटलमेंट बैंक अकाउंट मेंटेनेंस जो है वो बहुत बड़ा इशू है, कि उसमें आप केवल हिटाची आपके पैसे डालती है और आप कैश विड्रॉ करके आप एटीएम में डाल सकते हैं, कोई भी किसी भी तरह का आप थर्ड पार्टी ट्रांजेक्शन नहीं करते। अगर करते हैं तो फिर हिटाची आपको रिकंसिलिएशन सर्टिफिकेट नहीं देती है, या जो भी बैंक आपकी जो है जो आप जिस जो विंटर बैंक जो है वो अगर आप करते हैं तो आपको रिकंसिलिएशन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, तो दैट इज ऑल्सो ए चैलेंज। तो आपको उसमें ये ध्यान रखना है कि जो भी जो आपका वाइट लेबिलिटी पार्टनर है जो पैसे ट्रांसफर कर रहा है उसकी एक एंट्री होनी चाहिए क्रेडिट साइड में, और डेबिट साइड में आपके चेक से पैसे निकलने चाहिए, ठीक है। ये दो एंट्री हो सकती है, तो सेटलमेंट बैंक अकाउंट मेंटेनेंस इज ऑल्सो अ चैलेंज, ठीक है। फिर मेंटेनिंग कैश Maintaining cash in ATM on holidays. अब जैसा अभी आप लोग देख रहे हैं कि अभी हमारे banks 3 दिन 4 दिन के लिए बंद है ना, मान लीजिए कल से बैंक बंद हो गया है ना, तो बैंक बंद हो गया कल से तो बहुत बड़ा चैलेंज है अभी कैश मेंटेन करना है ना, क्योंकि बैंक में तो कैश ये है नहीं। तो अगर आपका मान लीजिए एवरेज मान लीजिए 5 लाख रुपए का विड्रॉवल होता है, 5 लाख रुपए विड्रॉवल हो रहा है, तो उस कंडीशन में आपका पांच लाख विड्रॉ हो रहा है तो आपका अब 3 दिन बैंक बंद होगा, तो 3 दिन का आपको 15 लाख रुपए मेंटेन करके रखना पड़ेगा, दैट इज अ बिग चैलेंज है ना।
अमाउंट काफी बढ़ जाता है उस कंडीशन में, ठीक है। मेंटेनिंग कैश इन एटीएम ऑन हॉलीडेज, ठीक है, दैट इज ऑल्सो अ बिग चैलेंज, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर क्या है कि अगर आपके हाई ट्रांजेक्शन्स हैं तो हाई ट्रांजेक्शन्स में आपको, ठीक है, तो सेटलमेंट हो गया, 194 हो गया, कैश मैनेजमेंट हो गया, है ना। फिर इरेगुलर कैश अवेलेबिलिटी, इरेगुलर कैश अवेलेबिलिटी मतलब आप कभी कभी क्या होता है कि बैंक वाला आपको, मान लीजिए आपके अगर पीक आवर्स हैं, पीक मतलब हैं, तो उस कंडीशन में आपको बैंक से काफी आसानी से कैश नहीं मिल पाता है, दैट इज ऑल्सो एन इशू। तो मैं फिर से एक बार जैसे जरा थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूंगा इन सारे पॉइंट्स को वन बाय वन, कि क्या क्या चैलेंजेस हमारे साथ हैं, टू मेक यू बेटर अंडरस्टैंड द होल कंसेप्ट, ठीक है ना। तो पहला तो ये जो है आपका कि व्हाट आर द चैलेंजेस इन एटीएम इंडस्ट्री, क्या क्या एटीएम इंडस्ट्री में चैलेंजेस हैं। तो पहला जो सबसे पहला है कैश मैनेजमेंट, है ना, आप कैश कहां से लें, बैंक वाला आपको कैश प्रॉपरली देता है कि नहीं देता है, और गांव के इलाकों में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। अच्छा, सिक्योरिटी इशू वाइल कैरिंग कैश, है ना, क्योंकि अब एटीएम में कैश डल गया तो दैट्स नॉट सो इजी, है ना, उसको बहुत सारी प्लानिंग करनी पड़ती है, एंड मतलब अगर ये अगर कुछ मिसहैंडलिंग होती भी है तो दैट इज इन योर एब्सेंस योर लाइफ इज नॉट एट रिस्क, अगर फंड्स अगर हैं भी तो दैट इज इंश्योर्ड, ठीक है। उसके बाद अगर बैंक अकाउंट अगर जो आज की डेट में भी गवर्नमेंट ने नया जो नॉर्म्स लगाया है, दैट इज 194N के तहत जो कैश विड्रॉल पर टीडीएस डिडक्शन होता है, तो दैट इज ऑल्सो चैलेंज। फिर सेटलमेंट बैंक अकाउंट मेंटेनेंस, दैट इज ऑल्सो चैलेंज, क्योंकि उसमें कोई दूसरा कोई भी नेट बैंकिंग से ट्रांजेक्शन नहीं होने चाहिए, केवल जो आपका पार्टनर है उससे पैसे आएंगे, और मेंटेनिंग कैश इन एटीएम ऑन हॉलीडेज, है ना, क्योंकि जैसे अगर आपका मान लीजिए 4 दिन के लिए बैंक बंद हो गया, और या 2 दिन के लिए भी बैंक बंद हो गया, तो जो आपका अगर मान लीजिए 6 लाख निकल रहा है तो आपको 12 लाख रहना चाहिए। अच्छा, बैंक से हमेशा रेगुलर कैश नहीं मिल पाता है, तो इरेगुलर कैश अवेलेबिलिटी जो है, तो दैट इज ऑल्सो इशू वाइल में टू रन एटीएम, ठीक है। अब जिस मॉडल के बारे में हम लोग बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं, हिटाची WLA CRM CMS मनी ट्रांसफर मॉडल, ठीक है, तो दैट इज अ आंसर टू दिस सॉल्यूशन, है ना। द मॉडल जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपसे, है ना, तो वो आप अब बताएंगे कि कैसे वो आंसर है, मतलब हाउ इज दैट कि आप बोलेंगे कैसे मतलब ये मेरी समस्याओं का समाधान करेगा, ठीक है। तो उसको हम लोग थोड़ा सा अभी ये करेंगे, हाईलाइट करेंगे। थोड़ा सा आपको ये करना है, दैट इज दिस इज द आंसर टू दीज ऑल प्रॉब्लम्स, है ना। दिस मॉडल इज आंसर टू दीज प्रॉब्लम्स, है ना, दिस मॉडल इज आंसर टू दीज प्रॉब्लम्स। जो भी प्रॉब्लम्स अभी मैंने ऊपर में हाईलाइट किया है,
सो इट्स आंसर टू ऑल दीज प्रॉब्लम्स, है ना, कैसे आंसर है, ठीक है. तो इट इज व्हाई इट इज, क्योंकि वहां पे यू डोंट नीड, you are not dependent on banks for cash you are not dependent on banks for cash replenishment. ठीक है, फॉर कैश रिप्लेनिशमेंट. आपके एटीएम में कैश लोड करने के लिए आप डिपेंडेंट नहीं है ना, बिकॉज आपको कहां से क्या होता है भाई, हाउ यू आर नॉट डिपेंडेंट, बिकॉज आप क्या कर रहे हैं, चैनलाइज कर रहे हैं जो फंड्स आपके पास कैश आ रहा है, जो आपके पास, बिकॉज यू चैनलाइज द फंड्स विच यू गेट from people for money transfer or from microfinance agent. ठीक है, क्योंकि आप क्या करते हैं, आपको आपके काउंटर पे ही कैश मिल जाता है, मनी ट्रांसफर जो करने लोग आते हैं वो लोग कैश देते हैं, या अगर आपने सीएमएस कलेक्शन के थ्रू पैसा ले रहे हैं तो जो पैसे लोग ये कर रहे हैं तो आपको उनके थ्रू आपको पैसा मिल जाता है. तो आपका कैश मैनेजमेंट इज डन. ठीक है, तो जब कैश मैनेजमेंट डन है तो फिर आपका देयर इज नो टेंशन ऑफ कैश विड्रॉवल, देयर इज नो implication of TDS on cash withdrawal, क्योंकि आप बैंक में जा ही नहीं रहे हैं कैश विड्रॉवल करने के लिए, है ना, फॉर कैश withdrawal. ठीक है, तो मान लीजिए मैंने जैसे अभी मैं फिर से हाईलाइट कर दूं जरा. ठीक है, तो अब जैसे आप मैंने आपको बताया कि ये जो हमारा मॉडल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो दिस इज एन आंसर, दिस मॉडल इज अ आंसर टू दीज प्रॉब्लम्स, जो प्रॉब्लम्स मैंने पीछे ऊपर में लिस्ट आउट किए हैं. कैसे आंसर है, बिकॉज यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन बैंक फॉर कैश रिप्लेनिशमेंट या कैश लोडिंग, है ना, इन एटीएम. ठीक है, अच्छा कैसे आप, हाउ इज इट पॉसिबल, तो उसमें क्या कर रहे हैं, यू चैनलाइज द फंड्स विच यू गेट, है ना, फ्रॉम पीपल फॉर मनी ट्रांसफर और फ्रॉम माइक्रो फाइनेंस एजेंट. ठीक है, जो पैसे वो लोग लेके आ रहे हैं उसको आप ये कर रहे हैं. ठीक है, तो उससे फिर क्या होता है, देयर इज नो इंप्लीकेशन ऑफ 194 एंड टीडीएस ऑल्सो ऑन कैश विड्रॉवल. ठीक है, तो दिस इज द सॉल्यूशन विच यू आर गेटिंग. ठीक है, और मैं एक छोटा सा जस्ट एक एग्जाम्पल लूंगा. अच्छा, जो कई लोग आप ये कर रहे हैं कि सपोज इफ SBI इज लाइव ऑन ICD फॉर कैश डिपॉजिट, तो अब ये आप, मतलब टेक एन एग्जाम्पल, आप लोग जो परेशान हैं तो व्हाट इज द इनकम विच यू आर गोइंग टू गेट. आपने मान लीजिए आपके एटीएम में एक पर्टिकुलर फंड ही, बिकॉज ऐसा तो नहीं है कि आपने एटीएम में जितना डिपॉजिट लिया वो सारा का सारा विड्रॉल संभव हो पाएगा, तो फिर आपको एक समय ऐसा आएगा व्हेन यू हैव टू प्लान दैट विच फंड यू हैव टू टेक इनटू दिस योर एटीएम.
अब आप अगर अगर आप कोई भी अगर क्या है जो बैंक्स लाइव हैं, तो इफ यू आर सपोज इफ एसबीआई इज लाइव ऑन आईसीडी डिपॉजिट, सो व्हाट्स योर अर्निंग, व्हाट इज योर अर्निंग ऑन दिस डिपॉजिट. ठीक है, आपने बोला एक सॉल्यूशन हो गया, व्हाट इज योर अर्निंग ऑन डिपॉजिट इन केस ऑफ आईसीडी डिपॉजिट, आईसीडी लाइव बैंक डिपॉजिट, यू गेट ओनली व्हाट, यू गेट ओनली रुपीज 8. ठीक है, आपको केवल 8 रुपए मिलते हैं. सपोज आपने किसी से 1,00,000 रुपए लिया डिपॉजिट, अगर सपोज उसने 2 ट्रांजेक्शन किए 50,000 रुपए, तो आपके 1,00,000 आपके एटीएम में आ गया एंड यू हैव अर्नड ओनली 16 रुपीज. सो व्हाट आई एम टेलिंग यू, रेदर देन डिपेंडेंट ऑन दिस एसबीआई फॉर डिपॉजिट, अगर आप ये मैं आप उसको मनी ट्रांसफर से वो आप अपना फंड्स ले लें, आपके कैश विड्रॉवल, आपका सपोज आपको 5,00,000 रुपए आपका विड्रॉवल है, तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं. मैं टेक एन एग्जांपल कि एसबीआई लाइव हो गया है, ठीक है, या बैंक ऑफ बड़ौदा लाइव हो गया, या पीएनबी लाइव हो गया है, ठीक है, और आपके पास एटीएम में आपको कैश आपके आप 5,00,000 रुपए कैश आप एटीएम में ले सकते हैं. विच फंड विच यू विल टेक इन योर एटीएम, बिकॉज आपको जो बैंक में कैश ले रहे हैं एटीएम में कैश ले रहे हैं, तो अपने फंड्स को यूटिलाइज भी कर रहे हैं अपने, क्योंकि जो आप ले रहे हैं उतना निकलना भी चाहिए. हाँ, अगर आपको ये लगता है कि नहीं मेरा 20,00,000 निकल जाएगा, तो फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू गेट आपका, व्हाट इज योर टारगेट, योर टारगेट शुड बी योर टारगेट should be to get funds, to get the deposit in ATM. What is your target? Your target should be to get deposit in ATM, the money transfer fund, the money transfer funds. ठीक है, बिकॉज इन मनी ट्रांसफर मैंने अगर बताया मनी ट्रांसफर डिपॉजिट इन एटीएम, योर अर्निंग, योर मिनिमम अर्निंग व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, अर्निंग will be rupees 58. How it is possible? You may be surprised. मैंने जैसा बताया कि अगर हम लोग मान लीजिए आपने अभी आप लोग 1% ले रहे हैं सपोज, है ना, मैंने बोला ब्रेक दैट मार्केट इंस्टेड ऑफ मतलब आप लोग जो परेशान है कि सर एसबीआई लाइव हो जाए एसबीआई लाइव हो जाए, फॉरगेट एसबीआई, फॉरगेट पीएनबी, फॉरगेट ऑल द बैंक्स. मैं आपको बोल रहा हूं, मैं आपको जब आप मेरे साथ जुड़ते हैं आप मनी आप सीआरएम लगाने का प्लान करते हैं, तो मैं आपको एक इक्विटास बैंक का अकाउंट खोल के दूंगा और उसमें एक कार्ड दूंगा जिसका आप पैसा जमा करेंगे तो वो पैसा इंस्टेंटली आपके अकाउंट में आता है. और मैं आपको बता दूं दिस ट्रांजेक्शन इज एज पर द आरबीआई गाइडलाइंस, देर इज नो मिसमैनेजमेंट, देर इज नो कैश मिसमैनेजमेंट. हम लोग वी आर मेंटेनिंग दैट गवर्नमेंट नॉर्म्स इन दिस ट्रांजेक्शन, बिकॉज जो पैसे आपने डिपॉजिट किए इनटू योर बैंक अकाउंट. हाँ, अगर आप चाहते हैं, अगर आप इक्विटास बैंक से कोई कस्टमर आया उसके डायरेक्टली वो आप मनी ट्रांसफर का आपका सर्विस कॉस्ट बचाना चाहते हैं और आप उसके थ्रू जैसे लोग गूगल पे के थ्रू करते हैं, दैट इज रॉन्ग, दैट इज नॉट रॉन्ग, यू शुड नॉट डू दैट. अगर कोई व्यक्ति अपने पर्सनल अकाउंट से किसी को फंड ट्रांसफर कर रहा है, ही मे बी ट्रैक समटाइम. आपने किसी को पैसे ट्रांसफर किया, उसने कुछ गलत पर्पस के लिए फंड को यूज किया, तो यू मे बी ट्रैप्ड इन प्रॉब्लम, आप किसी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं अगर वो जो फंड्स को दूसरी तरह से यूज करता है. बिकॉज वंस यू ट्रांसफर फंड्स फ्रॉम योर अकाउंट टू समवन्स अकाउंट, सो दैट्स अ पर्सनल ट्रांजेक्शन, यू हैव गॉट अ रिलेशन विद दैट पर्सन, सो यू हैव टू एक्सप्लेन टू द अथॉरिटीज इफ देयर इज एनी इशू विद दैट पर्सन. लेकिन अगर आप मनी ट्रांसफर के पोर्टल के थ्रू अगर आप करते हैं, सो यू आर डूइंग यू आर ट्रांसफरिंग द फंड्स एज पर द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स. यू आर पेइंग फॉर एवरी 10,000 रुपीज, यू आर फॉर एवरी 5,000 यू आर पेइंग गवर्नमेंट द बेसिक बेयर मिनिमम द फंड्स यू आर पेइंग द गवर्नमेंट्स.
सो वहां पे आपका आपका कोई रिस्क नहीं है। आप 18% का जीएसटी पे करके अगर 5,000 का है तो 5,000 पे आप 9 रुपए देते हैं, और अगर 10,000 का है तो 18 रुपए का आपका जीएसटी जाता है गवर्नमेंट को, ठीक है। तो यू पे दैट टू गवर्नमेंट, ठीक है, और सारा आपका पूरा कोई ब्लैंक एंट्री नहीं है। अगर आपने अपने पर्सनल अकाउंट से किसी को पैसे ट्रांसफर किए तो ब्लैंक एंट्री हो गई, क्योंकि उस आदमी का आपके साथ कोई ट्रांजेक्शन नहीं था, उसको आपने कुछ पैसे ट्रांसफर किए। तो अगर आप किसी आदमी को आपके अकाउंट में मान लीजिए 10 लाख 20 लाख रुपए हो जाएगा तो सारी सारी ब्लैंक एंट्री है। लेकिन जब आपने अपने डेबिट कार्ड से पैसे कोई पैसा लेकर आया 50,000 रुपया, उस 50,000 रुपये को आपने सीधा सीआरएम में डाला, वो आपके इक्विटास के बैंक अकाउंट में आया, उसको आपने वैलेट लोड ले लिया। अब वैलेट लोड ले लिया तो फिर उस वैलेट लोड से फिर वो उस कस्टमर के उसमें चले जा रहा है, अकाउंट में चले जा रहा है। तो द ट्रांजेक्शन इज कंप्लीट, पूरा पैसा का ट्रांजेक्शन, किसी ने पैसे ला के दिए आपको, आपने उसको अपने डेबिट कार्ड लगा के आपने उसको अपना बैंक अकाउंट में डाला और फिर उसके अकाउंट में उसको ट्रांसफर कर दिया, तो होल ट्रांजेक्शन इज कंप्लीट। तो वहां पे कोई आपका मतलब किसी भी तरह का ये नहीं है, कोई भी ब्लैंक एंट्री खड़ी नहीं हो रही है। लेकिन अगर कोई आदमी क्या करता है कि नहीं सर मैं तो अपने गूगल पे से ट्रांसफर करता हूं, मेरे को कोई चार्ज नहीं लगता, ही इज डूइंग रॉन्ग, ही शुडंट डू दैट। अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो ही इज डूइंग एक्सट्रीमली, ही विल बी ट्रैप सम टाइम। कभी भी मैं सबको बोलता हूं, किसी को भी अपने पर्सनल बैंक अकाउंट से किसी भी थर्ड पार्टी जिसको आप नहीं जानते हैं उसका पैसा ट्रांसफर नहीं कीजिए। अगर आप किसी को जानते हैं उसका भी मत कीजिए, बिकॉज दैट इज रॉन्ग एज पर आरबीआई, है ना। क्योंकि आप अगर वंस इफ यू आर ट्रैप्ड तो आप उसका यू वोंट बी इन पोजिशन टू एक्सप्लेन दैट वाई यू डिड दिस ट्रांजेक्शन। तो इस तरह के ट्रांजेक्शन आपको कभी नहीं करने चाहिए, आई विल सजेस्ट यू। तो मैं जिन लोगों के लिए जो परेशान है कि सपोज इफ एसबीआई बैंक इज लाइव ऑन आईसीडी फॉर कैश डिपोजिट, ठीक है, वट इज योर अर्निंग, वट इज द अर्निंग ऑन डिपोजिट इन कैश आईसीडी लाइव बैंक डिपोजिट, ठीक है। तो यहां पे आप क्या कर रहे हैं, आप मात्र यू आर गेटिंग ₹8 और आपका एटीएम में मान लीजिए 5 लाख है और आपने अगर 1 लाख रुपए डाल लिया तो आपने अपने 8 ही रुपए लेके अपने एटीएम को ब्लॉक कर लिया। वो तो यही हो गया कि आपके पास एक रूम है, एक शॉप रेंट देने के लिए है और आप किसी को वो उसको 1,000 रुपए में दे दीजिए जो कि 10,000 के भाड़े में लग सकती है। तो अब आपको हाँ, लेकिन अब डिपेंड करता है कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं अवेलेबल है तब आप ये आप कर सकते हैं। लेकिन जब आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है और वहां पे आप अपने आप को ब्लॉक कर ले रहे हैं 1,000 रुपए में देके, तो यू कैनॉट गिव दैट सेम स्पेस टू अदर। द सेम वे यहाँ पे डिपॉजिट में भी एक समय में ऐसा होना जाएगा जहां पे आपके पास एक फंड आ रहा है जिससे कि आपको कुछ अर्निंग आ रही है, चाहे वो सीएमएस फंड्स हो, चूंकि सीएमएस में भी आपको वो 1 लाख रुपए जमा करने के लिए कुछ पैसे देने जा रहे हैं, या मनी ट्रांसफर फंड्स का भी जो डिपॉजिट हो रहा है, तो वहां पे भी योर टारगेट शुड बी टू गेट द डिपॉजिट इन द एटीएम, मनी ट्रांसफर फंड और द सीएमएस फंड, यू कैन से। क्यों, इन मनी ट्रांसफर डिपॉजिट इन एटीएम योर मिनिमम अर्निंग इज ₹58। कैसे, मैंने बोला जैसे सपोज अगर आज के रेट में आपने 50,000 का अगर मनी ट्रांसफर मतलब किया किसी का, तो बाजार में प्रैक्टिस है ₹500 लेना, ठीक है। अब उस मैं बोल रहा हूं कि आप 250 रुपए लें, आप मार्केट ब्रेक कर दें, आप लोगों को ऑफर करें कि मैं 10,000 रुपए 50 रुपए में करूंगा लोगों को। अच्छा, अब आप बोलेंगे सर फिर उनको बचेगा क्या इसमें से? नो, यू विल गेट अ वेरी गुड अमाउंट। कैसे होगा, आपने 50,000 में मान लीजिए सपोज आपने 50 रुपए लिया तो 250 रुपए लिया। अब 250 रुपए में मान लीजिए मैं आपको RNFI से मनी ट्रांसफर की जो फैसिलिटीज दूंगा उसमें मात्र 150 रुपए कटेगा आपका। हम लोग 30 रुपए आपका काटते हैं 10,000 के मनी ट्रांसफर में, तो मैंने 30 रुपए काटा, 30 रुपए के हिसाब से तो 50,000 रुपए आपका 150 रुपए कटा, ठीक है। आईसीडी कॉस्ट आपका कट गया 50 रुपया, 200 रुपया आप पब्लिक से कितना ले रहे हैं 250 रुपया, 50 रुपया वहां बचा, 8 रुपए यहां बचा, 58 रुपया बच रहा है आपको, 58 रुपए बचा। और अगर आपने 1 लाख किया तो 1 लाख में आपके पास 1,16,000 रुपए बच गया, तो वाई टू ब्लॉक योर फंड विथ ओनली 8 रुपीज प्रॉफिट, ठीक है। अब फिर ये फंड्स ठीक है, वो फिर दोनों का फिर बराबर हो जाता है, वो चाहे एक बार जब गया तो वो जो आपका एटीएम ट्रांजेक्शन होगा दैट विल बी सेम। तो अब आप जो परेशान है, जो सारे लोग परेशान है, पूरी मतलब सारे लोग वेट कर रहे हैं कि सर नहीं SBI लाइव होगा तब मैं CRM मशीन लगाऊंगा, सर PNB जब लाइव होगा तब मैं CRM मशीन लगाऊंगा। आई विल सजेस्ट पीपल टू इंस्टॉल द ATM इफ यू हैव गॉट अ मनी ट्रांसफर बिजनेस। अगर आपके पास सीएमएस बिजनेस है, मनी ट्रांसफर बिजनेस है, और या आप मार्केट के डायनेमिक्स को ब्रेक कर सकते हैं, ब्रेक दैट डायनेमिक, यू विल गेट द फंड्स इनटू योर एटीएम।
पैसा भी मिल जाएगा और उस पर अच्छी कमाई भी मिलेगी। आपकी कमाई आपको टारगेट करना है मात्र 250 रुपए में मनी ट्रांसफर करने का। एंड टेल मी, कॉल मी, रिंग मी, इन्फॉर्म मी दैट हाउ मच फंड यू कैन गेट मैक्सिमम। अगर आपके पास 2 लाख का फंड भी अगर आप आ रहा है इस माध्यम से, तो व्हाट इज योर अर्निंग? योर अर्निंग इज 116,232 आपको केवल मिल गया आपका इसी में, आपका 232 रुपए आपको मिल गया केवल मनी ट्रांसफर की कमाई। और फिर आपका ये आप 50,000 में एक मिनिमम ट्रांजेक्शन अगर हम लोग 4,000 का भी लेके चले तो 50,000 में तो 13 ट्रांजेक्शन आते हैं आपके पास। तो 13 ट्रांजेक्शन आया तो 52 ट्रांजेक्शन हो गया। 52 ट्रांजेक्शन में आपको आपकी अर्निंग आई 52 into 850, तो आपके 442 ये हो गए जो कि आपको एटीएम ट्रांजेक्शन में मिला, प्लस 232 आपको इसमें मिल गया, तो 674। तो मैंने बताया कि इसमें अगर कोई सीआरएम लगा रहा है 2,88,000 का मॉडल है तो योर अर्निंग, अगर आपने मैंने बोला कि सपोज इवन इन ऑन ट्रांजेक्शन ऑफ से मैं, लेकिन बट हम लोग बिकॉज हम लोग इसमें बहुत सेलेक्टेड लगाने जा रहे हैं तो हम लोग उन्हीं लोकेशंस को फाइनलाइज करेंगे जिसके जिनके पास मिनिमम 5 लाख का होगा। तो और खासकर ब्लॉक टाउन प्रेफर करेंगे हम लोग, केवल हम लोग छोटे रिमोट एरियाज में लगाएंगे। ये मॉडल केवल उसी जगह इंप्लीमेंट होगा केवल ब्लॉक टाउन में, और एक ब्लॉक में एक ही लगाएंगे हम। वी वॉन्ट, हाँ जब तक कि हम लोगों को ये कन्विंस नहीं हो जाएंगे कि वहां पे काफी ज्यादा, क्योंकि हमको मनी ट्रांसफर के बिजनेस को भी देखना है प्लस हमारा विड्रॉल भी देखना है, क्योंकि पैसे अगर हम ले भी लें तो एटीएम में विड्रॉवल हमको चाहिए। तो आई वॉन्ट ब्लॉक दैट एरिया जहां मैं बहुत सारे एटीएम देखे मैं नहीं वो करूंगा। तो बहुत लिमिटेड हम लोग अप्रूवल्स मतलब इसमें देंगे हम लोग इस मॉडल के तहत, ठीक है, जिसमें हम लोग इस मॉडल को हम लोग एक एरिया में केवल एक ही लगाएंगे बिकॉज वी हैव टू इंश्योर फ्रॉम द विड्रॉवल फ्रंट ऑल्सो। तो वी वॉन्ट, वी विल ऑलवेज प्रेफर द ब्लॉक टाउन इन दिस केस। हम लोग छोटे लोकेशन प्रेफर नहीं करेंगे इसमें। WLA, CRM, CMS मनी ट्रांसफर मॉडल जो होगा हम लोग बिल्कुल ब्लॉक टाउन में प्रेफर करेंगे, ठीक है। जो भी फंड्स चाहे वहां पे, अच्छा जो रूरल एरियाज है जहां पे मान लीजिए हमारे पास सीएमएस का कलेक्शन आ रहा है, लेकिन उनको ये वो उसी लोकेशन पे हम इंश्योर करेंगे। जैसे आप अगर 10 लाख रुपए का अगर आप सोच रहे हैं कि आपका डिपॉजिट आ रही है तो शाम होते होते वो 10 लाख रुपए आपका विड्रॉवल की भी विड्रॉ भी होना चाहिए, नहीं तो फिर हम आपके डिपॉजिट लिमिट्स को कम कर देंगे, क्योंकि हमको डिपॉजिट जो हो रहा है वो शाम होते होते लिक्विडेट होना चाहिए बिकॉज दैट इज नॉट योर फंड, दैट इज अवर फंड, दैट इज फंड, ठीक है। तो दैट फंड शुड बी, हाँ लेकिन ये है कि हम आपको ये परमिशन दे रहे हैं एटीएम में डिपॉजिट लेने के लिए, विल गिव यू दैट लिमिट ऑन दिस ऑन द एश्योरेंस दैट दैट फंड विल बी लिक्विडेटेड बाय इवनिंग, दैट फंड वॉन्ट बी ब्लॉक फॉर द नेक्स्ट डे। तो दैट शुड बी, ये हमारा बेंचमार्क है। तो हम लोग, मैं बता रहा था कि इवन इफ योर दो लाख भी है तो उसमें योर डेली will be ₹674। तो और ये इसमें हम लोग हॉलीडेज में हम लोगों का ये नहीं, हमको डिस्टर्ब नहीं होना है। बट इवन इफ तो 17,000 रुपए की इनकम अगर आपको हो सकती है, अगर 25 डेज का भी अगर हम ये करेंगे तो मिनिमम ठीक है, मिनिमम अर्निंग आपकी17,000, आपका इन्वेस्टमेंट क्या है 2,88,000 प्लस 50,000, मतलब हार्डली आपका 4 लाख
फोर लैक्स की इनकम है आपका, मान लीजिए आपका 17,000 की अर्निंग, ठीक है, 4 लाख की, 3 लाख प्लस 1 लाख, ठीक है ना, तो 4 लाख की इन्वेस्टमेंट में आपका 70,000 है, यू कैन कैलकुलेट द प्रॉफिट विच यू कैन हैव, ठीक है। It is more than 4.5% is your ROI, ठीक है, जबकि हम प्लान कर रहे हैं 5 लाख का, ठीक है, तो 5 लाख में हम लोग चलेंगे 13.5, 13.2, 13.1, 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
डेली मनी ट्रांसफर, इवन इफ योर डेली मनी ट्रांसफर इज 2 लाख रुपीज, तो आप आराम से एश्योर्ड प्रॉफिट, आप लगभग 2 लाख रुपए का विड्रॉवल इज ऑल्सो नॉट टफ, तो आप 17,000 रुपए कमाने की चेष्टा कर सकते हैं। बट हम लोगों का टारगेट है कि वी नीड मिनिमम 5 लाख रुपीज मनी ट्रांसफर, ठीक है। तो आप, मैं ये बेसिकली ये जो वीडियो बनाने का मेरा मकसद है, जो कई लोग परेशान हैं कि सर SBI लाइव कब होगा, PNB कब लाइव होगा, तो स्टॉप वेटिंग फॉर दैट, डोंट वेट फॉर द बैंक्स टू बी लाइव। आपके पास जो अभी मैं जो ये मॉडल दे रहा हूं, वहां पे अगर आप बोलेंगे सर मेरे आसपास में वो बैंक नहीं है, तो यू डोंट नीड दैट बैंक। आपको बैंक क्या करना है, आपको तो वो पैसे आपने कार्ड से जमा किया और उसको आपको नेट बैंकिंग से यूटिलाइज करना है, अपना पोर्टल लोड करने के लिए, मनी ट्रांसफर पोर्टल लोड करने के लिए, ठीक है। या फिर अगर CMS भी अगर यूज कर रहे हैं तो आपको उसमें भी पोर्टल लोड करना है, तो यू डोंट नीड बैंक फॉर से नियर योर एरिया, ठीक है। आपको नजदीक में बैंक तो चाहिए नहीं उसके लिए, एंड व्हाई डू यू वेट फॉर, व्हाई डू यू वांट टू बैंक ट्रांजेक्ट इन द बैंक। अगर बैंक से ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपके पास एक लाइबिलिटी आ जाएगी 194N की, बैंक वाले आपको वो चैलेंज है बैंक में जाके पैसे ट्रांजेक्शन करें, तो व्हाई यू आर वेटिंग फॉर दैट बैंक्स टू कम, है ना। और जो बैंक लाइव वो बैंक नजदीक में रहे या वो बैंक आपके आसपास में है, तो व्हाई डू यू वेट फॉर दैट, आपको उसकी इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास मनी ट्रांसफर का बिजनेस है या आप जनरेट कर सकते हैं, आपको लगता है कि अगर मैं 10,000 में, और आपको आपको फिर 50,000 रुपए अपने पोर्टल में डलना होगा, 2,88,000, तो अगर मैं बेयर मिनिमम अगर इन्वेस्टमेंट की बात करूंगा किसी का, तो 2,90,000 प्लस 50,000, दैट इज द इन्वेस्टमेंट विच आई रिक्वायर राइट नाउ। हाँ, प्रोवाइडेड दैट यू हैव दिस 3,40,000 इन्वेस्टमेंट आई रिक्वायर टू गेट दिस 17,000 इनकम फॉर द ये, लेकिन बट मैं इसके बारे में नहीं बात करूंगा। आई एम आस्किंग फॉर द इन्वेस्टमेंट ऑफ 4 लाख रुपीज एंड विथ द स्कोप ऑफ 5 लाख रुपीज मनी ट्रांसफर और CMS, है ना। अब उसमें मान लीजिए हो सकता है कि हमारा कुछ ये CMS में थोड़ा कुछ का अर्निंग में ये हो, बट स्टिल योर अर्निंग इज नॉट गोइंग टू बी लेस देन 3-4% ऑफ योर ROI, है ना। जैसे 4 लाख रुपए पे भी अगर आपने आप किया, तो 5 लाख रुपए का मनी ट्रांसफर कर रहे हैं, तो यू कैन थिंक ऑफ, जो पिछला बार मैंने आपको बताया था, 30 से 35 हजार रुपए की इनकम आ जाती है आपकी। तो मैं इनके बारे में बेसिकली सारे लोगों को सजेस्ट करूंगा दैट डोंट वेट फॉर द SBI PNB टू बी लाइव ऑन ICD प्लेटफॉर्म। अगर आपके पास, आप अगर मनी ट्रांसफर का बिजनेस कर रहे हैं, या आपको लगता है कि मैं जो SBI CSP चला रहे हैं या कोई और बैंक CSP चला रहे हैं, PNB CSP चला रहे हैं, और आप जो डिपॉजिट करते हैं उसमें चार्जेस, अगर जो मैं चार्ज ऑफर करने जा रहा हूं आप अपने कस्टमर को 10,000 रुपए का ट्रांसफर करने में किसी भी बैंक में, अगर आप उनसे 50 रुपए
ले रहे हैं तो क्या आपको डिपॉजिट मिल सकता है? जस्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन. अगर आप इस चीज का क्वेश्चन का आंसर देते हैं कि हाँ सर मुझे 50,000 अगर मैं करूं तो मेरे पास आराम से 5,00,000 रुपए आ जाएंगे दिन भर में, तो जस्ट कॉन्टेक्ट मी, कॉल मी ऑन माई नंबर. बेसिकली माई नंबर इज 9801005212. मैसेज मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर 9801005212. आपको केवल मैं एक क्वेश्चन का आंसर पूछ रहा हूं, क्या आपको, अगर आप लोग 10,000 रुपए में 50 रुपए कस्टमर से लेते हैं तो आपके पास 5,00,000 रुपए तक का कैश आ जाता है डिपॉजिट के लिए या मनी ट्रांसफर के लिए, वट एवर वे यू टॉक. क्योंकि मैंने पीएनबी में पीएनबी सीएसपी से बात किया, उनके जो चार्जेस कट रहे हैं दैट इज मोर देन दैट व्हाट आई एम गोइंग टू ऑफर. इवन SBI में जो थर्ड पार्टी बैंक ट्रांसफर किया जाता है, जिसका भी SBI CSP जो चलाते हैं उनका थर्ड पार्टी ट्रांसफर इज मोर देन 3 to 4 lakhs. कॉन्टेक्ट मी इमीडिएटली, कॉन्टेक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर, कॉन्टेक्ट मी ऑन ओवर द फोन. मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9801005212. बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, डोंट वेट फॉर द SBI टू बी लाइव. वाई? क्योंकि आप SBI का पैसा लेके जिसमें कि केवल आपको 8 रुपए अर्निंग हो रही है, आप अपने CRM फंड्स को CRM को ब्लॉक नहीं कर सकते हैं. जब आपके पास बेटर अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, मनी ट्रांसफर के माध्यम से आप पैसे लेके आप अपने वो कर सकते हैं, तो डोंट वेट फॉर दैट. ठीक है, तो उस कंडीशन, क्योंकि कस्टमर तो आखिर उससे भी जमा करेगा तो पैसे तो उसकी उसमें भी कटने हैं, 50 रुपए ही कटने हैं उसको 10,000 रुपए जमा करने के लिए, तो ही इज नॉट गोइंग टू सेव दैट मनी ऑल्सो, है ना. तो इसी के कारण डोंट वेट फॉर दैट. अगर कोई 10,000 रुपए में या 50,000 रुपए में करने में अगर कोई आसानी से आपको आप कैश जनरेट कर सकते हैं 2-3 से 4 लाख रुपया, तो आपको कॉन्टेक्ट मी इमीडिएटली फॉर दिस. ठीक है, दिस द गोल्डन अपॉर्चुनिटी और ये सारे ब्लॉक टाउन्स में हम लोगों को टारगेट करना है. इसके ऊपर जहां पे भी हम लोगों को CMS का कलेक्शन या मनी ट्रांसफर का कलेक्शन मिलने की उम्मीद है. धन्यवाद मित्रों, मैं फिर से अपना नंबर रिपीट करना चाहूंगा 9801005212. इस नंबर पे अगर आपको मनी ट्रांसफर के लिए, बेसिकली हिटैची WLS CRM CMS मनी ट्रांसफर मॉडल के लिए मैं लगाने के लिए इच्छुक है, तब आप मुझे यथाशीघ्र संपर्क करें.